चलिए दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज में आने वाले सबसे पहले गेम की। और वो निकल के आ गए दोस्तों हिटमैन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं ऐसे एक कैरेक्टर की जो बहुत ही ज्यादा साइलेंटली किल करने में बिलीव रखता है। एक ऐसा असैसिन जो साइलेंटली अपने टारगेट को मार भी देगा और उसे छुपा भी देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गेम का नाम है दोस्तों हिटमैन, जिसे आप लोग अपने पीसी के अंदर में प्ले कर पाएंगे, चाहे आपके पास में हो दोस्तों 4GB रैम या फिर कोई ग्राफिक कार्ड हो या ना हो। और इस गेम को आप लोग नॉर्मल से हाई सेटिंग्स के बीच में बड़े ही प्यार से अपने पीसी में चला पाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा इस गेम के बारे में, तो ये है दोस्तों एजेंट 47। ये हिटमैन है कैरेक्टर है जिसको दोस्तों साइलेंटली किल करने के लिए जाना जाता है डायना, जो कि इसकी ऑफिसर है, जो उसे देती है दोस्तों मिशंस पे भेजा जाता है। वहाँ पर ये जाएगा, साइलेंटली अपने मिशंस को कंप्लीट करेगा। जो टारगेट इसे सौंपा जाता है उस टारगेट को इसे एलिमिनेट करना होता है, और वो टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि किस रास्ते से आप लोग जाएंगे, कौन सी चीजों का आप लोग इस्तेमाल करेंगे और कैसे अपने टारगेट को मारते हैं। तो बहुत ही मजेदार गेम है, एक ही मिशन को करने के हजार तरीके हो सकते हैं, तो जाइए और ट्राई कीजिए इस गेम को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर सब लोग अपनी सीरीज में आने वाले सेकंड गेम की। और वो निकल के आ रहा है दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फ्रेंचाइजी की जिसके आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड सभी लोग इनके गेम्स को प्ले करते हैं। जो गेम्स आप लोग प्ले कर सकते हैं दोस्तों वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1, 2 और 3। दोस्तों आप लोग को जानकर के हैरानी होगी कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 एक ऐसा गेम है जिसको बनाने में आज तक का सबसे ज्यादा खर्चा हुआ था। जी हाँ, एक्टिविशन जो कंपनी कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम्स को बनाती है, उसने लगाए थे दोस्तों 290 मिलियन के आसपास डॉलर्स इस गेम को बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा है अगर आप लोग इसे कंपेयर करते हैं आज के जमाने के गेम से भी। यानी कि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से इस गेम को बनाया गया था, बहुत ही अच्छी स्टोरीज को लिखा गया था, और जैसे जैसे आप लोग इन गेम्स को प्ले करते हैं आप लोग इस गेम के अंदर में बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। आप लोग को लगता है कि उस रणभूमि में युद्ध के मैदान में आप लोगों का ही कैरेक्टर उतरा हुआ है जो कि फाइट कर रहा है दोस्तों अपोनेंट से, और आप लोग उन्हें मारने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि आप लोगों को बेसिक कॉम्बैट दे दिया गया है, आप लोगों के हाथ में है गन, आप लोग उड़ाना है दोस्तों अपने एनिमीज को। बहुत ही कमाल की स्टोरी आप लोगों के साथ में चलती है। जिस मिशन को आप लोग कम्प्लीट करने वाले होते हैं उसके पीछे का पूरा एजेंडा, पूरी स्टोरी आप लोगों को समझाई जाएगी। तो बहुत ही अच्छी गेम्स है कॉल ऑफ ड्यूटी की। आई नो आप लोग फैन होंगे, तो डेफिनेटली आप लोग इन गेम्स को जाकर के प्ले कीजिएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर सब लोग अपने सीरीज में आने वाले थर्ड गेम की। और वो निकल के आता है दोस्तों एक्समैन ओरिजिंस वुल्वरीन। जी हाँ, अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एक्समैन की। एक्समैन की कॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एक्समैन की मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी, और बारी आती है एक्समैन के गेम्स को प्ले करने की। दोस्तों एक्समैन ओरिजिंस वुल्वरीन एक बहुत ही पॉपुलर मूवी रही थी अपने टाइम की, और उसी मूवी को पूरा ध्यान में रखते हुए इस गेम को बनाया गया है। यानी कि मूवी की कम्प्लीट स्टोरी लाइन आप लोगों को इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगी। उसी कम्प्लीट स्टोरी लाइन में आप लोग अपने मेन कैरेक्टर को आगे लेकर के जाना होगा। बहुत ही कमाल का एनवायरमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी होंगी, मेन कैरेक्टर काफी कमाल का है, उसके पास में होने वाली है दोस्तों एक्समैन की पावर्स, जिनका आप लोग अपने मजे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को कमाल की फाइटिंग करनी होगी एंड बॉस बैटल्स भी देखने के लिए मिलेंगी। हेलीकॉप्टर वाला सीन तो यार मेरा पर्सनल फेवरेट है। यानी कि गेम आप लोगों को फुल टू मजा दिलाने वाला है। अगर आप लोग इस गेम को प्ले करते हैं तो आप लोग निराश नहीं होंगे। तो ये था गाइस हमारा थर्ड गेम, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। और चलिए बढ़ जाए आगे और बात करी जाए किसी एडवेंचर गेम की। यानी कि हमारे जो फोर्थ नंबर का गेम निकल के आ रहा है वो है दोस्तों टोम्ब रेडर की तरफ से। दोस्तों टोम्ब रेडर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो लारा क्रॉफ्ट काफी समय से संभालती हुई आ रही है। उनके गेम्स बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्ले किए होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन अब बारी आ चुकी है आपके पोटैटो पीसी, यानी कि जिसके अंदर में सिर्फ 2 से 4 GB रैम है, उस पीसी में टोम्ब रेडर का एक किसी गेम को खिलाने की। और वो गेम निकल के आता है दोस्तों टोम्ब रेडर अंडरवर्ल्ड। दोस्तों इस गेम की खासियत ये होती है कि यहाँ पर से आप लोगों को बहुत ही कमाल का एडवेंचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर से आप लोग जाने वाले हैं दोस्तों पानी के अंदर की दुनिया में, यानी कि दोस्तों पानी के अंदर की दुनिया का एडवेंचर भी आप लोग इस गेम में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अपर वर्ल्ड में भी आप लोग कमाल का तहलका मचाने वाले हैं। टोम्ब रेडर जानी जाती है दोस्तों अपनी जंपिंग स्किल्स के लिए, जहाँ पर से आप लोगों को कई बार क्लाइंबिंग करनी होती है, नई नई लोकेशंस पे जाना होता है, अपने आसपास पड़ी हुई सभी चीजों का इस्तेमाल करके सर्वाइव करना होता है। बहुत कमाल के कॉम्बैट्स आते हैं, आप लोगों की जो लारा क्राफ्ट है वो गन का भी इस्तेमाल करती है, फाइट भी करती है, और दोस्तों अपोनेंट्स को हरा भी देती है। तो बहुत मजेदार जर्नी होने वाली है आप लोगों की। और मैं आप लोगों को बता दूं इस गेम को आप लोग बहुत ही अच्छी सेटिंग्स पे प्ले कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों अपने पीसी के मैक्स रेजोल्यूशन पे आप लोग इस गेम को प्ले कीजिएगा, ग्राफिक्स बहुत ही कमाल की होंगी, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे एंजॉय कीजिए टोम्ब रेडर अंडरवर्ल्ड को। तो चलिए दोस्तों बढ़ा जाए कुछ आगे और देखा जाए दोस्तों हमारी सीरीज में आने वाला फिफ्थ गेम, वो निकल के आता है दोस्तों रॉकस्टार की तरफ से। आप लोगों ने रॉकस्टार कंपनी का नाम तो सुना ही होगा अगर आप लोग पीसी गेम्स में जानकारी रखते हैं या फिर कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं। तो रॉकस्टार वही कंपनी है दोस्तों जो कि आप लोगों के लिए GTA जैसे गेम्स लेकर के आती है, और उनकी एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी, और उनके गेम्स में आप लोगों के लिए आज लाने वाला हूँ। गेम का नाम है दोस्तों मैक्स पेन 1 और
और मैक्स पेन 2 आप लोग अपने स्लो NPC पर खेल सकते हैं बहुत ही अच्छी सेटिंग्स पे, यानी कि कोई लैग नहीं होगा। 60 FPS का गेम प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और अब चलिए बताता हूँ दोस्तों कि मैक्स पेन चीज क्या है। मैक्स पेन मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है। जब मैंने गेमिंग की दुनिया में कदम ही रखा था तभी मैंने दोस्तों मैक्स पेन गेम को प्ले किया और मैं इतना अटैच हो गया था पर्सनली इस गेम से। ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों मैक्स पेन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था बिकॉज इसमें आप लोगों को काफी कमाल का स्टोरी देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, एक कैरेक्टर वो किस तरीके से अपनी फैमिली के लिए फाइट करता है, उसे क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती है, वो आप लोगों को पूरा इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ में मैक्स पेन 1 एंड मैक्स पेन 2 में आप लोगों को कमाल की शूटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत ही मजेदार गेम है, कमाल के मिशन है, शूटिंग में बहुत ही मजा आने वाला है। तो गेम्स को आप लोग जाकर के जरूर से जरूर ट्राई कीजिए।